So good morning everyone and welcome to lecture 9 design of fillet weld and numericals on design of fillet welds. So in this session we will be discussing about design of fillet weld. Jo specification hai usko hum log dekhenge ek ek karke ki kya specification kya parameters hame lene hote hain as per the IS 800 aur uske baad hum log uska strength calculation pe kuch numerical karenge, right? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड. सो इसमें आपने देखा होगा जो स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड देखा होगा, कुछ स्पेशल देखा होगा, कुछ अलग अलग टाइप के मैंने आपको दिखाए थे. एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं. तो ये देखिए स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड दिख रहा होगा एंड नेक्स्ट ये देखेंगे स्पेशल फिलेट वेल्ड बोलते हैं शॉर्ट लेग लॉन्ग लेग. बट एक चीज़ मैं बताते चलूँ आपको कि जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं जो भी डिजाइन पढ़िएगा फॉर डिजाइन पर्पज वी टेक इक्वल लेग्स, राइट? दोनों साइज हम लोग इक्वल लेके चलते हैं, इसीलिए आपको जो है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. इन योर सिलेबस जो भी डिजाइन हम लोग करने जा रहे हैं सब में क्या होगा, आपको लेग्स जो है वो इक्वल रहेंगे. तो साइज इज क्या हो जाएगा, कोई भी दोनों में से एक मिनिमम लेना होता है, राइट? जब मान लीजिए एस वन एस टू दो चीजें हैं तो दोनों में जो मिनिमम होगा दैट वुड बी द साइज, राइट? एस वन और एस टू निकाल लिया और मान लीजिए एस वन छोटा है तो एस वन हमारा साइज बन जाएगा. साइज इज द मिनिमम ऑफ मिनिमम डिस्टेंस जो भी लेग का होगा उसको ले सकते हैं. तो ये चीजें हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी टाइप्स देखेंगे हम लोग क्या होते हैं. तो इन चीजों में भी आपने देखा होगा कॉनकेव कॉनवेक्स मीटर फिलेट वेल्ड, ये भी टाइप देखे होंगे बेस्ड ऑन जो वेल्ड का फेस है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्दर. ये टाइप्स भी आपने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ वेल्ड फिलेट वेल्ड जो अलग अलग टाइप्स के आपको फिलेट वेल्ड दिख रहे होंगे, साइड फिलेट वेल्ड हो गया, एंड फिलेट वेल्ड हो गया, डायगोनल फिलेट वेल्ड हो गया, ये सब बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन जिधर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक? उसके बाद देखिए एक और चीज में ये थोड़ी नई चीज है. तो जो आप बोल रहे थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ होता है कि हम लोग जो थ्रॉट थिकनेस है वो कैसे लेंगे. जैसे ये वेल्डिंग का प्रोफाइल दिख रहा होगा एक आपको, तो इस प्रोफाइल में देखिए कि ये जो है आपको ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, राइट? ये कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा. इस केस में जो हमारा थ्रॉट थिकनेस होगा वो क्या होगा कि यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग अगर मिला दें और उसके बाद जो ये डिस्टेंस देख रहे हैं आप, दिस इज यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस टीटी, राइट? और अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना इस कर्व में जो फेस है इसको हम लोग ले रहे हैं, मतलब एक टेंजेंट अगर खींच दें इस पे, ठीक है? तो उससे आपको थ्रॉट थिकनेस पता चल जाएगा, राइट? ये भी चीजें. तो इसी तरह से अनइक्वल लेग में भी चीजें होती है, राइट? इसमें भी हम लोग जो अभी मिला के देखेंगे दोनों का जहाँ पे थ्योरेटिकल जो थ्रॉट थिकनेस है वहां निकल के आएगा. तो ये चीजें जो है आपको जनरली आपको इस टोटल जो सिलेबस है आपका फिलेट वेल्ड का उसमें आपको इस पे ध्यान देना है कि हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक? तो दोनों साइज इक्वल रहेगा और हम लोग टी टी निकाल लेंगे. तो ये केस हमारा रहेगा जनरली, ठीक? तो ये हो गया. इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा डिजाइन में क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो पैरामीटर को देखते हैं, राइट? चलिए एक चीज और देख लीजिए, जो परमिसिबल स्ट्रेस है ये डिजाइन का स्पेसिफिकेशन में पहला चीज आता है कि परमिसिबल स्ट्रेस हमारे फिलेट वेल्ड में क्या होगा, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि ये सेम चीज जो है बट वेल्ड में हम लोग यूज किए थे. बट वेल्ड में हम लोगों का क्या था, वन नंबर वन टेंशन और कंप्रेशन ऑन सेक्शन थ्रू थ्रॉट ऑफ बट वेल्ड. तो ये हमने बट वेल्ड में यूज किया था, राइट? जहां पे हमको टेंशन और कंप्रेशन की बात हम लोग कर रहे थे. बेंडिंग स्ट्रेस का हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस तरह की चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं. एसेंट्रिक लोडिंग की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये चीज आप अपने नहीं पढ़ पाएंगे. उसके बाद ये जो है तीसरा आप देख रहे होंगे सीयर ऑन सेक्शन थ्रू थ्रॉट ऑफ बट और फिलेट वेल्ड. अगर सीयर का केस आता है इन एनी वेल्ड की बात करें, बट वेल्ड हो या फिलेट वेल्ड हो, अगर सीयर आ रहा है तो इन सीयर परमिसिबल स्ट्रेस वुड बी 108 MPa. अब हमको इस पे काम करना है इस फिलेट वेल्ड में, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा. आपको 108 MPa लेके चलना है अभी, ठीक है? इसको हम लोग सिग्मा VF से डिनोट कर देते हैं, राइट? चलिए इससे डिनोट करके हम लोग अभी यूज करेंगे इसको. उसके बाद एक और चीज यहाँ लाइन लिखी होगी कि परमिसिबल स्ट्रेस इन सीयर एंड टेंशन आर रिड्यूस टू 80% व्हेन वेल्डिंग इज डन इन फील्ड. तो जब फील्ड में जाएंगे, फील्ड में हमारा जब फिलेट वेल्ड करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ जो है थोड़ा घटेगा, राइट? तो 20% उसमें माइनस कर दीजिएगा तो आपका जो बचेगा वो आपका स्ट्रेंथ रह जाएगा सीयर में.
ठीक है। चलिए तो हमारा स्पीयर में फ्लेट वेल्ड में हमारा जो भी लेना है आपको परमिसिबल स्ट्रेस वो होगा 108 MPa, ठीक है। ये है शॉप वेल्ड के केस की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग फील्ड वेल्ड में चले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस टेबल को तो आप लोग पहले भी नोट कर चुके हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, बट समझ लीजिए। अब देख लीजिए डिजाइन ऑफ फ्लेट वेल्ड में हम लोग क्या क्या देखना है। फॉर डिजाइन पर्पस सेक्शन ऑफ फ्लेट वेल्ड इज टेकन एज आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलस कहने का मतलब क्या हुआ, कौन बताएंगे मुझे, एक आदमी बताएंगे सर? दो साइड ट्रायंगल का वो इक्वल होगा। दो साइड मतलब कि जो ये साइड है जो ये साइड है, ठीक है, दोनों जो लेंथ बोल रहे हैं दोनों इक्वल हो गया, राइट, इसको आइसोसेलस बोल रहे हैं। राइट एंगल बोल रहे हैं मतलब आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है या 90 डिग्री बन रहा है, राइट, ये चीज है। उसके अलावा जो अब देखिए इसमें जो मैंने बताया होगा ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस, इसको हम लोग बोल रहे हैं थ्रोट थिकनेस, ये चीज है। तो ये यही आपको यूज करना है अभी डिजाइन में। तो हम लोग जो डिजाइन करने जा रहे हैं उसमें आपको जनरली यही डिजाइन मिलेगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि दो प्लेट है इस तरह से, इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एंड यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है और यहाँ पे हमने वेल्डिंग कर दी है, राइट, फ्लेट वेल्ड से हम लोग इसको वेल्डिंग कर चुके हैं, ठीक है। इसमें फ्लेट ही यूज करेंगे, बट तो नहीं कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कुछ वेल्डिंग हो गया है इस पोर्शन में, चलिए तो यहाँ वेल्डिंग कर रखा है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये फेल करने का इसका क्या, किस कारण से फेल करेगा, आपको ये बताएं, कोई बताइए। टेंशन करेगा, कंप्रेशन करेगा, सीयर करेगा, बेंडिंग करेगा, क्या सीयर करेगा। तो यहाँ पे देखिए टेंशन कंप्रेशन और सीयर की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो जब फिलेट वेल्ड की बात करते हैं तो फिलेट वेल्ड जो होता है आपको सीयर में क्रिटिकल होता है, राइट। अगर वो आप देखेंगे तो ये क्या है, अंडर प्रैक्टिस देखा गया है कि ये सीयर में ज्यादातर फेल करता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए यहाँ सीयर आएगा तो ये क्या होगा, फेल करेगा आपको। ऐसा मतलब जो आप पढ़ते थे कहाँ पे, रिवेट के केस में, कैसे वहां देखते थे क्लियरली आपको सेक्शन पे दिखता था कि कोई भी सेक्शन पे इस तरह से फोर्स लगता है तो वो कट करना चाहता है उसको, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये सीयर करना चाहेगा तो ये सीयर में फेल होने का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। इसका फेलियर जो होगा वो होगा आपको सीयर में, ठीक है। सीयर में ये जो होता है क्रिटिकल होता है आपका फिलेट वेल्ड, क्रिटिकल इन सीयर ये बोल सकते हैं। तो जो आपका फ्लेट वेल्ड है दैट इज क्रिटिकल इन सीयर। तो हम लोग को डिजाइन जो करना होगा उसको सीयर के लिए डिजाइन करना होगा, है ना। हमको इतना करना होगा कि हमको जो भी प्रोवाइड करें वेल्ड प्रोवाइड करें जहां भी वेल्डिंग करें तो इतना होना चाहिए कि जो हमारा फिलेट वेल्ड है वो सीयर में फेल ना करे, ठीक है। अगर सीयर में फेल नहीं करेगा तो बाकी चीजों में फेल तो नहीं करेगा, वो टेंशन में नहीं करेगा, कॉम्प्रेशन में नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि अब मान लीजिए सीयर ही कम है, सीयर ही सबसे कम हो जाएगा, मान लीजिए कॉम्प्रेशन है टेंशन है जो भी चीजें है लेस देन हो इक्वल टू, इससे हमको मतलब नहीं है। तो इससे अगर कम है ये तो पहले तो सीयर में ही फेल करेगा, तो अगर सीयर का ही हम डिजाइन कर दिए तो इसमें फेल नहीं करेगा। अब मान लीजिए कोई भी डिजाइन करते हैं जिस लोड के लिए डिजाइन किया उतना ही बियर करेगा वो। अब मान लीजिए लोड अनसर्टेन कुछ बढ़ जाता है तब तो फेल तो करेगा, वो अलग बात है ना, कि लोड और ज्यादा बढ़ गया जो हमने डिजाइन किया उससे भी लोड बढ़ गया तब ब्रेक करेगा तब फेल करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोगों को क्या देखना होता है कि मिनिमम ये किसमें फेल कर रहा है, मिनिमम क्या इसका स्ट्रेंथ हो सकता है। तो ये मिनिमम जो है इसका स्ट्रेंथ निकालेंगे तो सीयर में दिखेगा, तो इसलिए हमको सीयर का डिजाइन अच्छा करना होगा, ठीक है। तो अभी जो डिजाइन हम लोग करने जा रहे हैं जो स्ट्रेंथ निकालने जाएंगे बेस्ड ऑन सीयर, ठीक है। तो आपको पता होगा स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हर हमेशा हमको अभी देखते आ रहे होंगे, अभी दो तीन बार से हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ होता है तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू व्हाट, इसमें हम लोग परमिसिबल एड मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं इफेक्टिव एरिया, जैसे कि आप वहां पे कर रहे थे बट बिल्ड में भी। तो इफेक्टिव एरिया बस आपको चाहिए, इफेक्टिव एरिया निकल गया मतलब आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं फ्लेट वेल्ड का इन सीयर, ठीक है, या उसको स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेट वेल्ड भी बोल सकते हैं। तो ये हमको चाहिए कि इफेक्टिव एरिया कैसे निकालेंगे वो पता करना है, राइट, वो पता नहीं। तो इसलिए हम लोग को डिजाइनर स्पेसिफिकेशन अभी पढ़ना है,
इसमें देख लेते हैं क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए तो सबसे पहले आपको देखिए मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड एक देखना है, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड देखना है, मतलब ये साइज में आ गया साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, राइट। तो मुझे एक कोई बताइए कि यहाँ पे साइज ऑफ फिलेट वेल्ड का मीनिंग क्या हुआ, इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं यहाँ पे, बताए मुझे प्रियांशु। यस सर। हाँ बताइए सर, साइज रहेगा इसका लेग सर। हाँ, लेग के बारे में, यहाँ पे जो लेग साइज है, ठीक है, जो लेग का साइज है उसी से हम लोग पता कर लेते हैं ये साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है, मतलब yes, sir, sir. हाँ, तो ये जो साइज है दिस इज द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, राइट, ठीक है। लेकिन बट वेल्ड के केस में क्या होता था, वहां थोड़ा थिकनेस आता था, ठीक है, ये डिफरेंस है। उसके बाद इफेक्टिव लेंथ एंड मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है, ये भी चीज आएंगी कि मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड कितना होना चाहिए, ये भी एक पैरामीटर यहाँ पे ऐड होता है। इफेक्टिव लेंथ जो मैंने बताया था वही रहेगा कि कितना दूर में आप वेल्डिंग कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट है थ्रॉट थिकनेस, ये भी केस यहाँ पे आता है। तो थ्रॉट थिकनेस क्या है वो भी मैंने बता दिया आपको, ये डिस्टेंस थ्रॉट थिकनेस हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एक एंड रिटर्न्स। अब एंड रिटर्न्स क्या है, तो सपोज एक प्लेट है और इसमें हम लोग कोई दूसरा प्लेट यूज कर रहे हैं, टाइबर को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो मान लीजिए हमको वेल्डिंग जो है इतना दूर में करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वेल्डिंग हमको करना है। तो ये तो वेल्डिंग हमने किया, बट होता क्या है कि जनरली इसमें थोड़ा सा हम लोग एंड रिटर्न्स देते हैं, राइट, कि हम लोग थोड़ा सा इधर भी बढ़ा के दे देते हैं हल्का सा, ठीक है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, जनरल प्रैक्टिस है, और ये करते हैं ताकि हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंड रिटर्न। मतलब जहां पे खत्म हो रहा होगा वेल्ड वहां पे थोड़ा सा बढ़ा के दे देना, राइट। मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक वेल्डिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के दे देंगे, ठीक है, और ये जो बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको इसी को हम लोग बोल रहे हैं एंड रिटर्न, राइट, ये चीज, दिस इज एंड रिटर्न। तो इसका भी एक आपको स्पेसिफिकेशन दिया गया है एज पर द कोड, ठीक है, वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ से यहाँ की ओवरलैपिंग जो है इस पे, इसका भी एक यहाँ पे आपको लिमिटेशन मिलेगा और एक स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा कि हाँ मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इस तरह से। उसके बाद साइड फिलेट वेल्ड, साइड मतलब क्या हुआ, साइड फिलेट वेल्ड, साइड मतलब क्या हुआ, इस साइड में अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, इस साइड में आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसका भी एक स्पेसिफिकेशन होगा रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी की बात, ठीक है, मतलब इस प्लेट का जो विड्थ होगा उसके हिसाब से, तो इसका भी एक आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा। उसके बाद एक होता है आपको इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। इंटरमिटेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वेल्डिंग है कुछ इस तरह का समझिए, ये देखिए आप, मतलब कुछ दूर में यहाँ किया हुआ है, उसके बाद थोड़ा गैप करके यहाँ किया हुआ है, कुछ गैप करके यहाँ किया हुआ है, इस तरह का वेल्डिंग का क्या जरूरत पड़ता है, तो मान लीजिए हमको पूरा करने की आवश्यकता ना पड़े और हमारा लोड बियर हो जाए, राइट, मतलब पूरा हम क्यों करेंगे जब लोड हमारा इतने में हो जाएगा, जो लोड आ रहा है, जो भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जो इससे ही बियर हो जाएगा, तो हम लोग पूरा का पूरा क्यों करेंगे वेल्डिंग, है ना। तो वो है क्योंकि हमारा एक इकोनॉमिकल जो फैक्टर, इकोनॉमी जो एक फैक्टर है, ये हर बार आता है, इकोनॉमी हर बार आपको दिखेगा, हर जगह दिखेगा डिजाइन में, तो इकोनॉमी देखते हुए हम लोग इसको इस तरह का डिजाइन करते भी हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरमिटेंट फिलेट, ठीक है, इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड की ये बात हो गई। उसके बाद जब अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ में क्या करेंगे, हमें हमारे पास जो दिया हुआ है परमिसिबल स्ट्रेस, तो पी इक्वल टू इफेक्टिव एरिया इंटू सिग्मा वी एफ, तो इससे हम लोग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, दिस इज इफेक्टिव एरिया। अब हमको इफेक्टिव एरिया ही निकालना है, तो इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई बता पाएंगे मुझे? यस सर। क्या बोलिए? हाफ बी एच। हाफ बी एच करेंगे सर। इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए सर इफेक्टिव लेंथ थ्रॉट थिकनेस करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे इफेक्टिव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्रॉट थिकनेस हो गया टीटी एंड इनटू जो आपका लेंथ है उससे निकाल लेंगे, राइट, जो लेंथ है आपका उससे निकाल लेंगे, तो लेंथ आपको एल मान लेते हैं, तो इससे कर लेंगे, क्योंकि आप अगर इसका एरिया बोल रहे हैं जो हाफ बी एच बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया ना, इस एरिया से काम नहीं चलेगा आपको,
मान लीजिए जब भी वेल्डिंग करते हो तो एक लेंथ में वेल्डिंग करते हैं, तो लेंथ तो आना चाहिए ना, तभी तो आपको वेल्डिंग का एग्जैक्ट पता चला है कितने एरिया में वेल्डिंग हुआ है। ठीक है, तो ये चीज गलत है, इसको नहीं करना हम लोग, ये नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग, हाँ बोलिए, इफेक्टिव लेंथ कौन सा लेंथ? इफेक्टिव लेंथ हो गया जो आपका वेल्डिंग का लेंथ है। जैसे मान लिया हमने अभी बताया आपको इस तरह का दो प्लेट है, इसको हमने ऐड किया है, तो यहां से लेके यहां तक जो वेल्डिंग कर रहे हैं दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। अब मान लीजिए इसमें हम थोड़ा सा एंड रिटर्न भी दे रहे हैं, इसको छोड़ के ये जो एंड रिटर्न आप देख रहे होंगे, ये जो एंड रिटर्न आप देख रहे हैं इसको छोड़ देना होगा। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इसकी, ये इफेक्टिव लेंथ हो गया है ना, लेंथ ऑफ वेल्ड, दिस इज द लेंथ ऑफ वेल्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ वेल्ड मैंने बताया था आपको, बट वेल्ड में भी थोड़ा बहुत जो टॉलरेंस लेते हैं ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, जनरली उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ भी जब इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे तो एंड रिटर्न्स को आपको देखिएगा छोड़ देंगे। हाँ, अगर ओवरऑल लेंथ की बात करेंगे तब इसको आप ऐड कर सकते हैं कि हाँ ओवरऑल लेंथ में हमने वेल्डिंग कहाँ किया है, तो एल प्लस एंड रिटर्न ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं चलता हूँ आपको स्पेसिफिकेशन पे लेके, जो आपके नोट्स पे है या क्लासरूम में नोट्स अवेलेबल है वहां चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमको लेने होते हैं, एंड देन वी विल गो टू न्यूमेरिकल पार्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड में क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए ये सब बात तो हम लोगों ने बहुत कर ली है कि ये लेग क्या होता है, थ्रॉट क्या होता है। एक चीज और देख लीजिए, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टॉ बोलते हैं, ठीक है, टी ओ ई टॉ बोलते हैं, इसको हम लोग वेल्ड फेस बोलते हैं, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड फ्यूजन फेस, फ्यूजन जोन। ठीक है, ये चीजें बोलते हैं फ्यूजन जोन या फ्यूजन फेस, तो ये चीजें तो नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग, द फिलेट वेल्ड इज डिजाइन फॉर शियर स्ट्रेस बिकॉज इट इज क्रिटिकल इन शियर, ये चीज इस पे तो हम लोगों ने चर्चा कर ली है, इसको हम लोग शियर के लिए डिजाइन करते हैं। तो अभी आता है कि हमारा स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला आता है साइज। ठीक, तो हम लोग अब साइज की बात कर लेते हैं कि साइज क्या होगा। तो देखिए, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज स्पेसिफाइड एज द मिनिमम लेग लेंथ ऑफ द वेल्ड। ठीक है, मिनिमम लेग लेंथ ऑफ द वेल्ड। अब जब मान लीजिए S दोनों इक्वल है, S1 S2, तो हमारा मिनिमम क्या हो जाएगा, S ही हो गया, तो S हमारा साइज है। ठीक, अब यहाँ पे दो दो चीजें आपको देखनी है कि मिनिमम क्या होगा, राइट, और S मैक्सिमम क्या होगा, इन दो चीजों को आपको देखना है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीज आपको देखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या हो सकता है। तो देखिए, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू T माइनस 1.5 mm। ठीक है, T माइनस 1.5 mm। तो ये किस केस में बात करेंगे, इन केस ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टो। तो जब मैक्सिमम साइज की बात करेंगे इन केस ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टो, मतलब क्या हुआ कि एक आपको ये है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ, इसको आपको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ये आपका जो फेस है, जो टो होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। इस केस का जब भी फेस ये आएगा तो रेक्टेंगुलर होगा, या आपको बोलिए ये स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। लेकिन एक और केस आएगा जहां पे मान लीजिए आपको, मान लीजिए इस तरह से कोई ऐसा मेंबर है एंगल सेक्शन का, इसका देखिए ये जो एंड है ये कुछ राउंडेड है, ठीक है, दिस इज नॉट स्क्वायर। तो इस केस में आपका मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड बदलेगा, इन दोनों पे आपको ध्यान रखना है। तो पर्टिकुलरली इस केस के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टी माइनस 1.5 mm। ठीक है, दिस इज एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड इज टी माइनस 1.5 mm इन केस ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, जब भी इस तरह का कोई भी केस आएगा। मान लीजिए एक ऐसा कुछ प्लेट होता और एड हो रहा होगा, तो ये भी फेस आपका उसी केस उसी में आ गया, ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं इसको। तो ये चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे टी क्या डिनोट करता है, तो टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर्स टू बी ज्वाइंड, राइट। मान लीजिए दो मेंबर है, एक 10 mm का है, एक 8 mm का है, तो दोनों में जो मिनिमम है दैट इज 8 mm। ठीक है, इन दोनों में जो मिनिमम है 8 mm, तो यहाँ टी हो जाएगा हमारा 8 mm। ठीक,
8 mm हो जाएगा और आपका मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड जो हो जाएगा मैक्सिमम होगा एस दैट वुड बी 8 - 1.5 मतलब 6.5 mm जो है आप लेंगे, ठीक है, ये आप लेंगे मैक्सिमम साइज, इससे ज्यादा साइज आप वेल्ड का नहीं ले सकते, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या ये बात? यस सर। यस सर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज अ केस ऑफ स्क्वायर टो, है ना, राउंडेड के केस में थोड़ा बदलेगा। चलिए राउंडेड केस में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड इन केस ऑफ राउंडेड टो, जब अभी मैंने बताया आपको जैसे इस तरह का कोई एंगल सेक्शन होगा इसको हमको ऐड करना होगा, तो यहाँ पे वेल्डिंग करना है, इस केस में हमारा क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम साइज होगा, ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ एस जो बोल रहे हैं 3/4 × t, ठीक है। अब मान लीजिए इसका थिकनेस जो है 8 mm है, इसका है 12 mm है ये प्लेट का, तो 12 और 8 में दोनों मिनिमम कौन सा है, तो 8 मिनिमम है, तो टी वुड बी 8 mm और हमारा एस क्या हो जाएगा मैक्सिमम 3/4 × 8 मतलब 6 mm आपका मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो लेग है, ठीक है, जो आप ऐसे करिएगा ये आपका कितना होना चाहिए 6 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, मतलब उसको बिलो रखना है, 6 mm से कम रखना है, ठीक है, ये चीजें हो गई। तो ये हो गया राउंडेड टो के केस में, और जो मैंने पहले बताया कि t - 1.5 दैट इज इन केस ऑफ स्क्वायर जो टो होगा उसकी बात कर रहे थे, ठीक, क्लियर है दोनों चीजें? यस ओके वेरी गुड। हाँ अब आते हैं हम लोग कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या लेंगे, एक तो आपने मैक्सिमम पढ़ लिया अभी, अब हम लोग आते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ फ्लेट वेल्ड क्या लेंगे। तो मिनिमम साइज ऑफ फ्लेट वेल्ड हो जाएगा, ये जो है दो लिमिटेशन आपको यहाँ दे रखे हैं कि इन एनी केस शुड नॉट बी ग्रेटर देन, शुड नॉट बी लेस देन 3 mm इन एनी केस, एक तो ये दे दिया कि ये 3 mm से छोटा किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट टू बी ज्वाइंटेड, समझे, मतलब अगर एक प्लेट आपका 8 mm का है, एक प्लेट आपका 10 mm का है, तो 8 mm से ज्यादा तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। मतलब ये 10 mm है तो माने थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर इज 8 mm, है ना, तो आपका मिनिमम जो एस है, मिनिमम जो साइज होगा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8 mm, एक तो ये बन गया। उसके बाद इन एनी केस जो मिनिमम एस है, मिनिमम साइज है वेल्ड का, ये इन एनी केस क्या है आपको, कभी भी ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी कम नहीं होना चाहिए आपको 3 mm से, मतलब 3 mm से कम नहीं ले सकते हैं किसी भी केस में, ये आप बिठा लीजिए दिमाग में, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मस्ट है, पूछा ही जाएगा आपसे, ठीक, कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या लेते हैं इन एनी केस, दैट इज 3 mm, उससे कम नहीं लेंगे, ठीक। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आपको जब भी साइज लेंगे, जब भी साइज आप एज्यूम करेंगे, एज्यूम करना पड़ता है डिजाइन में आपको कि कौन सा साइज लेंगे, तो जब भी एजम्पशन करेंगे तो बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, तो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो मिनिमम साइज आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से मिनिमम साइज आप मान लीजिए जब भी डिजाइन करने जा रहे हैं तो हम लोग ले सकते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान हमेशा रखना है कि जो साइज होगा इसको आपको कंपेयर करके देखना होगा, ये मिनिमम से ज्यादा हो, मिनिमम साइज से ज्यादा हो और मैक्सिमम साइज से कम हो, ये आपको हमेशा देखना होगा क्वेश्चन में, ये देखना होगा। एक और चीज यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको कि एज देखिए यहाँ पे थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर जो टी है एक तरफ दिया हुआ है और मिनिमम साइज जो है आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन थिकनेस आप प्रैक्टिस जब कीजिएगा, जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो ये आपको काफी हेल्पफुल होगा ये टेबल। मान लीजिए आपको साइज लेना है, ठीक है, मानना है कुछ, तो क्या कीजिएगा, यहाँ से आप ले सकते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए मिनिमम साइज जो हो जाएगा ये 3 mm हो गया इस केस में, और मान लीजिए 10 to 20 mm जो है अगर थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है तो 5 हो गया, 20 to 32 mm है तो ये हो गया, इसके ऊपर है तो 8 हो जाएगा, ठीक है, या एक और चीज आता है इसके ऊपर, एक और पैरामीटर लिख सकते हैं आप कि 9.5 माइनस जो आपका मिनिमम साइज होगा फ्लेट वेल्ड का जो निकालते हैं वो ले सकते हैं, राइट, मिनिमम साइज जो उस फॉर्मूले से निकाले, ठीक है, तो उससे आप करके देख सकते हैं, ये भी आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको अभी जब भी न्यूमेरिकल जाएगा 3 mm, 5 mm, 6 mm
ये सब प्लेट मिलेंगे, इसको आप लोग करेंगे। तो ये टेबल को आप लोग बस नोट कर लीजिए, हम लोग इसका यूज करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट साइज, मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज, ठीक है। तो हम लोग जब भी डिजाइन करेंगे तो एज्यूम करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, एज्यूम करना पड़ता है। थ्रॉट थिकनेस की बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस भी यहाँ बोलते हैं। सो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस दैट इज टी टी, ठीक है। टी टी इज इक्वल टू के इंटू एस, ठीक है, ये मैंने बताया होगा आपको के इंटू एस। एंड एक लिमिटेशन यहाँ भी देख लीजिए, शुड नॉट बी लेस देन 3 mm, मतलब ये 3 mm से कम तो कभी नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ दे दिया, ठीक। वो तो मानिए एस जो है यही कम नहीं होगा तो ये कहाँ से कम होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हाँ ये छोटा वैल्यू है इसलिए कम हो सकता है, इसीलिए ये भी ध्यान रखना होगा कि ये भी फुलफिल हो, है ना। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक वैल्यू जो है 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो घटेगा, तो वो भी 3 mm से कम नहीं लेना है आपको, ये भी ध्यान रखना है। सो वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द लेग्स ऑफ वेल्ड, है ना। मतलब अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो एक लेग ये हुआ और एक लेग ये हुआ, इन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना, ये वेल्डिंग का प्रोफाइल है मान लेते हैं। सो इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है, अगर थीटा जो है हमारा 60 डिग्री से 90 के बीच में है तो देखिए के कितना लेते हैं, 0.7, है ना, 0.7 आप लेंगे और निकल जाएगा। जैसे हम लोग निकाल के देख रहे थे 90 डिग्री के केस में क्या आता था, 0.707 आ रहा था ना, ठीक याद है। तो इसको हम लोग यूज कर रहे थे, तो इसको हम लोग इसको हम लोग 0.7 ही यूज कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इस टेबल के हिसाब से के ले लेंगे और थ्रॉट थिकनेस हम लोग निकाल लेंगे। सो टी टी इज इक्वल टू के इंटू एस, और जैसे ही एस को एज्यूम किया है वहां से आप लोग उसके बाद आप लोग टी टी निकालेंगे, और बेस्ड ऑन एंगल जो एंगल दिया रहेगा तो आपको जनरली यही केस मिलेगा, जनरली आपको 0.7 ही पुट करना है, ठीक है। जब भी हम ये करेंगे आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे डिजाइन में, तो ये आपका आ जाएगा 0.7 इंटू एस। अब इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ठीक है, इसका यूज करके हम लोग टी टी निकाल लेंगे, क्लियर है। चलिए यहां से टी टी निकल जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ की हम लोग बात करेंगे, इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे। सो इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू ओवरऑल लेंथ माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज। अब बोलिएगा ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। सो दिस इज एक्चुअली एंड रिटर्न, राइट, एंड रिटर्न, ये क्या है आपका, एंड रिटर्न है। तो एंड रिटर्न क्या होता है, जो एंड रिटर्न है उसको हम लोग 2 into s लेते हैं, जनरली 2 into s, मतलब अगर मान लीजिए s हमारा 5 mm है तो एंड रिटर्न हम लोग 10 mm बढ़ा के देते हैं, मतलब यहां तक वेल्डिंग किया है थोड़ा सा एंड रिटर्न बढ़ाएंगे 2 into s। ये आपको कोड कहता है कि हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे, जब भी वेल्डिंग करने जाएंगे तो एंड रिटर्न थोड़ा देंगे वेल्डिंग के केस में, ठीक है, ये डिजायरेबल प्रैक्टिस है, ये करना चाहिए। तो एंड रिटर्न देंगे तो ये कितना देंगे, 2 into s, राइट, 2 into s, s इज साइज। तो अगर साइज हमारा 5 mm है तो आपका एंड रिटर्न आपको आ जाएगा दैट इज 10 mm। तो 10 mm आपको बढ़ा के लेना है, बाकी ये जो लेंथ है वो तो रहेगा, ये जो है ये एल बोलिए या डी बोल रहे हैं हम लोग, तो ये L तो रहेगा, L जो आपका इफेक्टिव लेंथ है वो रहेगा। तो अगर ओवरऑल लेंथ की बात कर रहे हैं तो दिस प्लस दिस, है ना, अगर ओवरऑल लेंथ की बात करेंगे तो आपको इफेक्टिव लेंथ तो ऐड करना है प्लस जो एंड रिटर्न आपने लिया है उसको भी ऐड करना होगा। मान लीजिए इसको E से हम डिनोट कर रहे हैं एंड रिटर्न को, तो E आपको लेना पड़ेगा 2 into s यहाँ पे, मान लीजिए इधर भी 2 into s है तो वो भी यहाँ लेना पड़ेगा, इधर भी लेंथ है तो ये भी लेना पड़ेगा, तो वो केस हम लोग देखेंगे आगे चल के, ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेंगे इसको। तो इफेक्टिव लेंथ वो होगा जिसमें एंड रिटर्न्स को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो आप लोग इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा कि ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस एंड रिटर्न्स लिख लीजिएगा, ठीक है, वो काफी ठीक रहेगा, ठीक, मतलब ओवरऑल लेंथ माइनस एंड रिटर्न, इसको इस तरह से आप लिखेंगे ज्यादा ठीक रहेगा, ये हो गया इफेक्टिव लेंथ। उसके बाद एक और चीज है कि एक्चुअल जो लेंथ है आपका शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 4 into s, जो
लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है 4 into S से कम नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, ठीक है। ये इफेक्टिव लेंथ ही है, मतलब इसको बोल सकते हो आप मिनिमम इफेक्टिव लेंथ, मिनिमम इफेक्टिव लेंथ, इसको लिख लीजिएगा। सो मिनिमम इफेक्टिव लेंथ शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 4 into S, मतलब अगर मान लीजिए एस हमारा 5 है तो 5 × 20, ठीक है, 20 mm से कम नहीं होना चाहिए आपको मिनिमम इफेक्ट, जो इफेक्टिव लेंथ आप दे रहे हैं वेल्डिंग का वो 4 into S से नहीं होना चाहिए कम, ठीक है। क्लियर है ये चीजें आप लोगों को? यस ओके, यस यस, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, इफेक्टिव लेंथ एंड मिनिमम इफेक्टिव लेंथ, ये दोनों आप लोग लिख लेंगे इस तरह से, दोनों आप कर लेंगे। तो मिनिमम इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 into साइज ऑफ वेल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमको लेंथ पता चली गया और थ्रॉट थिकनेस पता चली गया, क्या हम इफेक्टिव एरिया निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? यस सर। बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इफेक्टिव लेंथ इंटू टीटी, एल इंटू टीटी, दैट इज इफेक्टिव एरिया। और जब इफेक्टिव एरिया निकल जाएगा तो क्या आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, वो भी निकल जाएगा। चलिए तो ये चीजें तो क्लियर है। एक और बात यहाँ देख लेते हैं कि जो ओवरलैपिंग जो है वो क्या होगा, उसका क्या लिमिटेशन होगा। तो ओवरलैपिंग कहने का मतलब क्या है, दो प्लेट है चढ़ा दिए आपको ऊपर एक इस तरह से लैप जॉइंट की जब बात करते थे, तो ये पोर्शन, ये ओवरलैप का पोर्शन जो है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये ओवरलैप क्या होना चाहिए। द ओवरलैप ऑफ प्लेट टू बी फिलेट वेल्डेड इन अ लैप जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन 4 times द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर टू बी जॉइंट, ठीक है, और 40 mm, मतलब 4 into T और 40 mm, ठीक है। इसमें जो ज्यादा होगा, ठीक है, उसको आपको लेना है। तो मान लीजिए एक प्लेट हमारा 10 mm का है, एक प्लेट हमारा 8 mm का है, तो मुझे बताइए कि ओवरलैप किससे ज्यादा, सॉरी किससे कम नहीं होना चाहिए। यस सर, 40। हाँ, तो इसमें आपको देखना है कि विच इवर इज मोर। तो आपको 4 × 8 = 32 हो गया, क्योंकि 8 यहाँ पे थिनर है, तो 8 mm करेंगे तो 32 mm और 40 mm, तो 32-40 में हम देखेंगे ज्यादा कौन है, इसमें ज्यादा है 40, तो 40 mm से ज्यादा मतलब कम नहीं होना चाहिए आपको ओवरलैप, ये भी ध्यान रखना। तो इसको जो है ओवरलैप आपका शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 40 mm, राइट। तो इसको 40 लिख दीजिए, या कहीं कहीं आपको 5 to 2 मिलेगा, तो 4 to 5 आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 4 to 5 मतलब 5 times अगर करते हैं मान लीजिए इसको, तो 5 into T कितना हो जाएगा, अगर 5 into T करेंगे, 5T और 40 करेंगे, तो मुझे लगता है ये 40 ही निकल के आएगा, है ना। तो ये 40 ही निकल के आएगा इस केस में भी, और वो ओवरलैप जो आपका 40 से मिनिमम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज चलिए कर सकते हैं। तो जिस बुक में आपको दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो 5 आप ले सकते हैं, 5 times से ज्यादा नहीं हो, तो 4 to 5 इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक, 4 to 5। चलिए तो अब हमारा स्ट्रेंथ निकालने का बारी है। तो स्ट्रेंथ निकालने में क्या है, सिंपली हम लोगों को इफेक्टिव एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो 108 आपने देखा होगा सॉफ्ट वेल्ड के केस में, मल्टीप्लाई कर दिया। AE को हम लोग लिख सकते हैं L इंटू टी, तो वो लिखा हुआ है L इंटू टी, ओके, यहाँ लिखा हुआ है। तो जनरली जब डिजाइन करते हैं आपको लोड दिया रहता है, तो ये तो स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ तो हमको क्या करना होगा, लोड के इक्वेट कर देना होगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू लोड गिवन, और उसके बाद लोड गिवन रहेगा, वहां से हम लोग टी निकाल सकते हैं। एल निकालने का जनरली आपको यहाँ पूछा जाएगा, राइट। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टी इंटू सिग्मा वीएफ, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है, इसको लिख लेंगे आप लोग, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक दो चीज और देख लेते हैं कि साइड प्लेट की बात क्या करते हैं, इंटरमिटेंट प्लेट में क्या करते हैं, वो चीज देखेंगे। चलिए क्लियर है यहाँ तक एवरीवन, बताएं मुझे। यस सर। उसके बाद एक और चीज देख लीजिए कि मान लीजिए जब आप लेंथ निकालते हैं, तो ये जो लेंथ निकालते हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इफेक्टिव लेंथ, है ना,
मान लीजिए आप फॉर्मूले से ये लेंथ जो निकाल रहे हैं दिस इज इफेक्टिव लेंथ, और मान लीजिए जब आपको ओवरऑल लेंथ निकालना होगा तो ओवरऑल लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, ओवरऑल लेंथ निकालने के लिए इफेक्टिव लेंथ तो आपने निकाला प्लस आपको एंड रिटर्न्स ऐड करना है, ये चीजें आप जरूर लिख लेंगे कि एंड रिटर्न्स भी ऐड करना होगा, ठीक है। ये 2s मत लिखिए, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखिए ओवरऑल लेंथ इज इक्वल टू एल प्लस एंड रिटर्न, ये जरूर करेंगे हम लोग। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह का फिलेट को इसी को ना बोलते हैं साइड फिलेट, साइड फिलेट है। चलिए, तो साइड फिलेट के केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका ये लेंथ जो आप देख रहे हैं, ये जो डी देख रहे हैं, ठीक है, सो इन दिस केस जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देख रहे हैं बीच में, जो इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एच, ठीक है, वो एच हो गया और आपका ये डी हो गया, सो डी शुड नॉट बी ग्रेटर देन एच, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी डी शुड बी ग्रेटर देन एच, मतलब डी जो है किसी भी केस में इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लिया ये 100 mm है और ये 80 mm है तो चलेगा, चलेगा क्या, है ना, मतलब डी जो है हमारा अगर इससे छोटा नहीं है 80 से तो ठीक है, ओके, तब दिक्कत नहीं है, लेकिन यही अगर गलत, अगर मान लीजिए ये ज्यादा हो जाए तब दिक्कत हो जाएगा, वो दिक्कत करेगा। उसके बाद हाँ, मान लीजिए ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए एच ज्यादा हो रहा है तो आपको इस इधर भी वेल्डिंग करना पड़ेगा, ये भी चीजें आपको आएंगी डिजाइन में। उसके बाद जो एच है, ठीक है, एच जो है इट शुड बी लेस देन 16 t, एंड t क्या है, सो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, जब भी t की बात कर रहे हैं थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर टू बी ज्वाइंटेड, जो अभी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं वो थिनर मेंबर में से जो पतला होगा, मतलब एक का मान लीजिए 10 है, एक का 12 है, तो एक 10 लेंगे, है ना, 10 लेंगे, उससे कम ये होना चाहिए, मतलब इन एनी केस इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 t। तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड दिस ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी लिमिटेशन आप लोग कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे साइड फिलेट करेंगे, इसका काफी हम लोग यूज करने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, राइट, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक। डी शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू एच, एंड एच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 t, ठीक, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़े, चलिए एक और चीज अब देख लेते हैं, ओके, ये क्या है, देख पा रहे हैं, यस सर, यस सर, इंटरमिटेंट फिलेट है, हाँ, इंटरमिटेंट फिलेट, इंटरमिटेंट कहने का मतलब होता है क्या होता है, छोड़ छोड़ के जो चीजें नहीं होती है उस तरह की बात। तो ये जो है यहाँ पे दो प्लेट को वेल्ड किया गया, देखिए एक यहाँ पे ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, इसको वेल्ड किया जब गया ना, तो इसका देखिए साइड व्यू हम यहाँ दिखा रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये साइड व्यू समझिए आप इसको। तो इस केस में देखिए थोड़ा दूर यहाँ वेल्डिंग किया गया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, हो सकता है कुछ यहाँ किया, नीचे किया, फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ किया, यहाँ किया, ये कब करते हैं, इस तरह की वेल्डिंग हम कब करेंगे। तो सपोज हमारा स्ट्रेंथ जो है, जो हमारा लोड है, जो लोड आ रहा है वो कुछ ऐसा लोड आ रहा है कि हमको पूरा पे वेल्डिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है ना, तो हम इस फैशन में वेल्डिंग कर सकते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ फैशन ऑफ फिलेट वेल्ड, है ना, कि कहीं पे आप साइड फिलेट पूरा दे दिए, कहीं पे आप इंटरमिटेंट दे रहे हैं, तो ये बेस्ड ऑन कि हमारा लोड अगर इतने में ही बियर हो जाएगा, इतने में ही लोड हमारा अगर ये जॉइंट सह लेगा, तो हम लोग क्यों पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक वेल्डिंग करने जाए, पूरा यहाँ से यहाँ क्यों वेल्डिंग करेंगे, है ना, वो चीजें हैं। तो इंटरमिटेंट वेल्डिंग हम लोग वहाँ प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा दूर यहाँ करे, थोड़ा यहाँ किया, थोड़ा यहाँ किया, थोड़ा यहाँ किया, इससे क्या हो गया कि लोड भी हमारा बियर हो गया, प्लस हमारा वेल्डिंग का जो एरिया है वो भी घट रहा है, तो हमारा वेल्डिंग का थोड़ा सा कॉस्ट भी कम हो रहा है, मतलब इकोनॉमी भी बढ़ रहा है, तो ये चीजें हैं। तो एनी लेंथ ऑफ इंटरमिटेंट वेल्ड, मतलब एनी लेंथ मतलब आपको इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो कोई भी लेंथ जो होगा इंटरमिटेंट वेल्ड का शुड नॉट बी लेस देन 4 times द वेल्ड साइज, मतलब 4 times द वेल्ड साइज और 40 mm, इन दोनों में आपको देखना है कि इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा, जो भी इसमें मोर होगा, उससे आपको यहाँ देख लेना है कि इससे तो वो कम नहीं हो, मतलब ये L1 मान लेते हैं, सो L1 शुड नॉट बी लेस देन, क्या हो जाएगा आपको, दो चीजें यहाँ पे आएगी, एक तो आ जाएगा 4 into s, और यहाँ पे आएगा 40 mm, और इसमें से विच एवर इज ग्रेटर, जो इसमें बड़ा होगा उसमें से आपको देख लेना होगा, ओके, ये चीजें हैं। उसके बाद एक और चीज,
क्लियर स्पेसिंग बिटवीन टू लेंथ ऑफ इंटरमिटेंट वेल्ड। तो क्लियर स्पेसिंग की बात करें तो जो स्पेसिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्पेसिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं दैट शुड नॉट एक्सीड 16 टी 16 टी। अब टी क्या होगा? थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, 16 टी इन टेंशन एंड 12 टी फॉर कॉम्प्रेशन। एक और यहाँ दिया है कि द क्लियर स्पेसिंग इन एनी केस शुड नॉट बी मोर देन 200 mm। मतलब जो स्पेसिंग है ये आपका 200 से ज्यादा तो किसी भी केस में नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ, इसको स्पेसिंग बोल देते हैं, S1 बोल दो, अदरवाइज ये साइज लगेगा। तो ये जो है किसी भी के टेंशन के केस में मान लीजिए ये 16 टी और जो आपका 200 mm है, इसमें से जो आपको दिख जाए उसको आप ले लेंगे, जो आपको छोटा इसमें दिखेगा उससे ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए वो देख लेंगे। तो ये जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसको, तो दोनों को आपको देखना पड़ेगा, 16 टी और 200 mm। इसमें से आपको देख लेना है इसमें जो छोटा आ रहा हो उसको देखिएगा कि उससे ज़्यादा न हो, ठीक है, उससे ज़्यादा स्पेसिंग ना हो। और कंप्रेशन केस में 12 टी और 200 mm, इससे ज़्यादा, इससे जो है वो ज़्यादा ना हो, सॉरी ज़्यादा ना हो, राइट, इससे ज़्यादा ना हो। जो भी स्पेसिंग की बात करेंगे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंप्रेशन की बात करेंगे 12 टी और 200 mm, इन दोनों में जो छोटा होगा उसको आप लोग देख लें। पहला न्यूमेरिकल आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें मैं बता दूँ आपको कि गिवन फिगर में और भी चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको दे देता हूँ। तो कह रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए, आज थोड़ा स्टेप बाय चलेंगे इसमें। पहले कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 8 mm फिलेट वेल्ड यूज टू कनेक्ट अ टाई बार 80 mm इनटू 10 mm। मतलब ये जो टाई बार आपको दिख रहा होगा इसका क्या है, विड्थ दिया है और थिकनेस दिया है, राइट, विड्थ और थिकनेस इस प्लेट का दिया हुआ है, मतलब 80 mm और ये थिकनेस दिया है 10 mm। सो दिस इज क्या है आपका, ये कितना हो गया, तो ये आपका पोर्शन जो है 80 mm का हो गया। उसके बाद हमको थिकनेस से यहाँ मतलब नहीं है अभी, थिकनेस का मतलब अभी आएगा जब दोनों का देखेंगे। उसके बाद बोला है कि एज शोन इन द फिगर, राइट, एज शोन इन द फिगर उसको ऐड किया जा रहा है एक प्लेट से। तो यहाँ पे जो वेल्डिंग का दिखा दिया, दिखा देते हैं आपको, यहाँ वेल्डिंग है किया हुआ, ब्लैक में देख लेते हैं, एक यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है, गिवन है, एक यहाँ से यहाँ तक वेल्डिंग किया हुआ है और एक पोर्शन आपको यहाँ से यहाँ तक वेल्डिंग किया हुआ है, ठीक, ऐसे वेल्डिंग करके रखा है। एंड दिस इज ओवरलैपिंग भी यहाँ गिवन है आपको, ये दिया है आपको 100 mm, ठीक है, 100 mm आपको गिवन है, राइट। सो दिस इज अ टाई बार, दिस इज अ टाई बार। तो अब हम लोग चलेंगे, ये गिवन डेटा आपको दिया हुआ है, उसके बाद अब हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं, राइट। सो वी हैव गिवन डेटा, अगर बात करें तो हमको यहाँ पे साइज दिया है, क्या शुभम साइज है मेरे पास, राइट, 8 mm फ्लेट वेल की बात कर रही है, तो यहाँ पे S इज इक्वल टू 8 mm। जब साइज दे ही दिया तो हमको और कुछ करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट द स्ट्रेंथ निकालने का क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, डिजाइनर का क्वेश्चन आएगा तब हम लोग एज्यूम करेंगे, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद मुझे बताइए कि जब फिगर आपको दे दिया, ठीक है, फिगर आपको दे दिया है कि वेल्डिंग हो रखा है दो साइड में इस तरह से, और आपको दे रखा है कि इतने लेंथ में वेल्डिंग किया गया है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एंड रिटर्न वगैरह भी नहीं दिखाया हुआ है, कुछ नहीं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे, और आपको अगर मैं पूछूं कि टोटल वेल्डिंग कितना हुआ है, इफेक्टिव लेंथ वेल्डिंग का पूछ लें, पता चल जाएगा क्या, किसी को आइडिया है ये चीज का? यस सर, पता चलेगा? यस सर, 100%। मतलब देखिए 100 इधर हुआ है, 100 इधर हुआ है, तो आपको इफेक्टिव लेंथ जो लेंगे, वो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, वेल्ड का लेंथ होता है। तो वेल्डिंग कितना दूर में किया हुआ, आधा इधर किया है, आधा इधर किया है। इसीलिए अगर हम बात करें कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड यहाँ पे, सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है, फिलेट वेल्ड दैट इज एल मान लेते हैं, ठीक है, एल इज इक्वल टू, अब देखिए 100 प्लस 100 दैट इज 200 mm आपका निकल के आ जाएगा, इतना आ गया। एक और चीज मुझे बताया क्या दिया हुआ, टेक परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड इन शियर
108. तो सिग्मा वी एफ पी हमको यहाँ पे दिया हुआ है 108 MPa, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर आप उसको लिख सकते हैं। अब बताइए जब इतना कुछ दिया हुआ है तो स्टेप वन में तो आप ये काम कर लेंगे, स्टेप टू में हम जाएंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, अब स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जो होता है वो लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको एक और चीज चाहिए, क्या है, थ्रॉट थिकनेस। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे थ्रॉट थिकनेस। सो थ्रॉट थिकनेस TT इज इक्वल टू हमने कितना बताया आपको, K इंटू एस, राइट, याद आया? तो K कितना लेते हैं, 0.7, 0.7 एस कितना हो गया, 8 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 5.6 mm हमारा क्या आ जाएगा, थ्रॉट का थिकनेस आ गया। तो हमारा ये भी हो गया। अब तीसरा स्टेप पे हम लोग चलेंगे एंड देन वी कैलकुलेट कि स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड वो आप निकालिए। अब तो स्ट्रेंथ जो हमारा होगा P इज इक्वल टू जो इफेक्टिव लेंथ एरिया है, मान लीजिए नहीं निकालें डायरेक्ट यहाँ से निकाले थे, L इंटू TT इंटू सिग्मा वी एफ। अब पुट कीजिए, L इज 200, राइट, TT इज 5.6 एंड सिग्मा वी एफ इज 108। सो अगर हम इसको करें तो कितना आता है मुझे बताइए आप, प्रियांशु बताओ, 120.96 किलो न्यूटन। ओके 120, तो अगर हम लोग इसको न्यूटन में बदलेंगे तो किलोमीटर में बदलेंगे तो इतना कुछ आएगा, ठीक है, ये भी आंसर हो गया। सो दिस इज आवर आंसर, यही आंसर है। चलिए ठीक है, इस सेशन में, इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे आज, और इन कमिंग लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपका ये यूनिट भी खत्म होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी न्यूमेरिकल कर एंड देन ये आपका यूनिट खत्म हो जाएगा। और काफी इंटरेस्टिंग यूनिट था, क्योंकि जो कनेक्शन है ना, मैं बता रहा हूँ आपको व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो कनेक्शन है सभी यूनिट में आएगा, टेंशन मेंबर में आएगा, कंप्रेशन मेंबर में आएगा, ठीक है, बीम में आएगा, कॉलम में आएगा, ठीक है, जब आप ट्रस का डिजाइन दिए वहाँ आएगा, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जो मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको, वहां पे शॉर्टकट में करना होगा, तुरंत करना होगा, ठीक, इसीलिए इसको अच्छे से समझना है। और डिजाइन जब भी आएगा, जैसे अभी हम इसी के दो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, और भी टाइप क्वेश्चन के हैं, जैसे डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड, तो उस केस में वहां जब बनाएंगे क्वेश्चन को, तब आपको दिमाग यूज करना है कि हाँ उसको एज्यूम करें, इसको एज्यूम करें, चेक करें, चेक अप्लाई करें, कौन मिनिमम है, कौन मैक्सिमम है, उसके विदिन है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, ये सब चीजें अभी आएंगी, राइट। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इस सेशन को हम लोग यहाँ एंड करते हैं एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास विथ न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।